सिक्योरिटी इज टू हाई। रास्ता सिर्फ दरवाजा ही नहीं, दीवार भी देती है, बस घुसने वाला चाहिए। वेजिटेरियन शेरनी के गुफा में रहने जैसी मुश्किल, वो तुम्हें खाएगी नहीं क्योंकि वो वेजिटेरियन है, लेकिन डराती रहेगी दाड़े मार मार के। आओ आओ। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 3 से 4 बड़ी फिल्में चल रही है, जिसमें एक है वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो, दूसरी फिल्म है दोस्तों तमिल फिल्म विक्रम, तीसरी है दोस्तों यहां पर कन्नड़ा फिल्म चार्ली 777, और इसके बाद है दोस्तों यहां पर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज। इन चारों ही फिल्मों में से दोस्तों 3 फिल्मों को तो 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, तो वही दोस्तों जुग जुग जियो आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 5 दिन पूरे कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन चारों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म ओम बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग ले सकती है और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो कितना हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि 400 करोड़ के क्लब में अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली है और तमिल सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले लोकेश कनगराज डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम, जिसके लीड में आपको कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल नजर आए थे, इस फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन तो दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जहां 58 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, तो वहीं दोस्तों अपने पहले ही हफ्ते में यह फिल्म लगभग 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। अपने दूसरे और अपने तीसरे हफ्ते को मिलाकर दोस्तों यह फिल्म 370 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। यह इस फिल्म का दोस्तों 4th हफ्ता है और इस हफ्ते भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की है। बताते चले दोस्तों आपको कि तमिल फिल्म विक्रम इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी शानदार कमाई कर रही है, जिस वजह से यह फिल्म 390 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। 25वें और 26वें दिन के कलेक्शंस को मिलाकर दोस्तों यह फिल्म 400 करोड़ के क्लब में धमाकेदार एंट्री मार चुकी है और तमिल सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। दोस्तों इसी के साथ यह फिल्म तमिल बॉक्स ऑफिस पर भी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म यानी कि 777 चार्ली के बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 777 चार्ली जो कि एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रक्षित शेट्टी नजर आए हैं। किरण राज के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस इमोशनल फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 6 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ रुपए कमाए थे। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए आउटस्टैंडिंग रिव्यूज की वजह से दोस्तों इस फिल्म ने भी अपने पहले हफ्ते में 50 करोड़ के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 75 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुके थे। वहीं दोस्तों आज यह फिल्म अपने तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है और 90 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 18 दिनों में कर चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने अपने 19वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.50 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं दोस्तों आज भी यह फिल्म लगभग 1.20 करोड़ रुपए कमा रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 92 करोड़ से ज्यादा हो चुका होगा और यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी होगी। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू चुका है। बात की जाए दोस्तों यहां पर तीसरी फिल्म यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में, जिसे कि रिलीज किए आज 26 दिन हो चुके हैं और इन 26 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज कमाई की है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि भारत के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज के जीवन पर बनाई गई सम्राट पृथ्वीराज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जून को रिलीज की गई थी और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई दुनिया भर से की थी। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले। अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में जो एक्साइटमेंट थी वो खत्म हो चुकी है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने पहले 3 दिनों में तो 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, लेकिन दोस्तों अपने पहले हफ्ते का इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 55 करोड़ रुपए का ही रहा। ऑडियंस की तरफ से मिले हुए मिक्स रिव्यूज और हेटर्स की तरफ से की गई नेगेटिविटी की वजह से दोस्तों इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते सिर्फ 65 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते तक यानी कि आज तक ये फिल्म 70-72 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। दोस्तों ये फिल्म 1 जुलाई को Amazon Prime पर रिलीज होने वाली है, जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से हट चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। बात की जाए दोस्तों यहां पर जुग जुग जियो के बारे में, जिसे रिलीज किए आज 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की है। दोस्तों बताते चले आपको कि राज मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली इस सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3500
स्क्रीन्स मिली थी। वहीं दोस्तों दुनिया भर में ये फिल्म लगभग 4,500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी। वरुण धवन, अनिल कपूर, कियारा आडवाणी और नीतू सिंह स्टारर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो 9,28,00,000 रुपए की शानदार ओपनिंग मिली और क्रिटिक्स और पब्लिक की तरफ से रिव्यूज भी काफी अच्छे मिले। और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने दूसरे और अपने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की और 3 दिनों में ही लगभग 36 करोड़ रुपए इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अपने चौथे और पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों अपने चौथे दिन इस फिल्म ने जहाँ 4,82,00,000 रुपए का कलेक्शन किया, जो कि दोस्तों अपने संडे के कलेक्शन से लगभग 65% कम रहा। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती 4 दिनों का जो कलेक्शन था वो तो 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका था। लेकिन अगर बात की जाए पांचवें दिन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पांचवें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड किया और कमाए हैं 4.5 करोड़ रुपए। आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 6ठा दिन है और आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर एक होल्ड बनाए हुए है और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की एडवांस ले चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 6-7% की है, जिस वजह से दोस्तों ये फिल्म आज लगभग 4 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल लगभग 49 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म एक एवरेज ट्रेंड कर रही होगी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म ओम, जिसका नाम चेंज करके अब राष्ट्र कवच ओम रख दिया गया है, जो कि दोस्तों एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है कपिल वर्मा ने। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के लीड में आपको आदित्य रॉय कपूर के अलावा प्रकाश राज, जैकी श्रॉफ और संजना सांगी भी नजर आने वाली है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 जुलाई को लगभग 2,000 से 2,500 स्क्रीन्स मिलने वाली है, जहां पर यह फिल्म अपने पहले दिन लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म के प्रोमोस को तो ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो प्रमोशन है वो कुछ खास लेवल पर नहीं हो रहा। यही वजह है दोस्तों कि ओम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन सिर्फ 3 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग ले सकती है। वहीं दोस्तों अगर इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल होगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।